नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। स्क्रीन पे आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे निःशुल्क एक मेडिकल कैंप लगाया गया 72 स्टार फाउंडेशन के द्वारा, जहाँ पे फ्री में चेकअप हो रहा है और लोगों को फ्री में दवाइयाँ भी वितरण हो रही है। तो 72 स्टार फाउंडेशन के अध्यक्ष से बात करेंगे कि ऐसे निःशुल्क कैंप कहाँ कहाँ लग रहा है और कितने दिनों से लग रहा है। आइए चलते बात करते हैं। तो अब हमारे बीच में जुड़ रहा है 72 स्टार फाउंडेशन के अध्यक्ष इमाम हैदर। तो उनसे पूछेंगे किस तरीके से निःशुल्क कैंप लग रहा है और कहाँ कहाँ लग रहा है। आपका स्वागत है सर। निःशुल्क कैंप मैम हम लोग 72 स्टार फाउंडेशन के अंतर्गत करवा रहे हैं और ये बहुत सी जगहों पे लखनऊ के अलग अलग एरियाज़ में होते हुए आज लखनऊ कैंट के एरिया में हो रहा है। इससे पहले हम लोगों ने मित्तई विलेज में भी किया था और उसमें पूरी हमारी टीम भी थी। डॉक्टर्स की टीम भी हमें लगातार सपोर्ट कर रही है, जिसमें डॉक्टर फरोग अब्बास भी, डॉक्टर फराज अब्बास भी हैं, डॉक्टर अहमद अली भी हैं, डॉक्टर फौजिया रिजवी भी हैं। ये सारे डॉक्टर्स हमारे सपोर्ट में रह रहे हैं, रेगुलर रह रहे हैं। और आज लखनऊ कैंट में, से पहले हम लोगों ने सादतगंज में किया, अभी हम लोग नेक्स्ट प्लानिंग बाराबंकी में करने वाले हैं, फिर देवा शरीफ में भी करने वाले हैं और आगे चल के ये कैंप हम लोगों की प्लानिंग बख्शी के तालाब में भी और पारा में भी है। तो ये मेडिकल फैटिलिटी से रिलेटेड जो भी कैंप है वो हम लोग जितना भी कैंप है वो करते रहेंगे। तो आज कितने लोगों का चेकअप हुआ है? ये अभी तक तो लिस्टिंग के हिसाब से मैम, जो हम लोगों ने जो भी डेटा मेंटेन किया है एज़ पर पेशेंट्स के हिसाब से, वो लगभग 130 पेशेंट्स के अब तक हम लोगों ने डेटा मेंटेन कर चुके हैं और आगे अभी और नंबर्स लग रहे हैं, लगातार रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं। तो किस तरीके से पेशेंट मिल रहे हैं आपको? पेशेंट्स में मैम रेशियो फिजिशियंस के पास भी है, लेकिन ज़्यादा रेशियो आई से रिलेटेड जो पेशेंट हैं, आँखों की जाँच जो हो रही है वो ज़्यादा हो रही है। अगर 30 पेशेंट फिजिशियंस के पास जा रहे हैं तो 50 पेशेंट्स आँखों के डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं। कितने डॉक्टरों की टीम इस समय वर्क कर रही है आपकी? इस समय हमारे पास 4 डॉक्टर्स हैं, 3 फिजिशियंस हमारे पास, 1 स्किन से रिलेटेड डॉक्टर हैं और 1 फौजी रिजवी आई स्पेशलिस्ट हैं। ठीक, आप क्या कहेंगे सर? पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस 72 फाउंडेशन कैंप का हिस्सा रहा। मैंने दूसरी बार मैं ये कैंप को अटेंड कर रहा हूँ। मुझे बहुत ही खुशी है इस बात की कि मैं इसको अटेंड कर रहा हूँ और मैं हैदर भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और सबसे अच्छी बात इस फाउंडेशन की यहाँ पे ये है कि जहाँ जहाँ नीडी ऐसे हेल्प या नीडी पीपल हैं, उनको ज़रूरत है इस कैंप की, शुगर टेस्टिंग और आई टेस्टिंग और साथ में बीपी। बहुत से लोग हैं कोविड की वजह से इधर जा नहीं पा रहे हैं, एरा नहीं जा पा रहे हैं, बहुत सी OPDs बंद हैं। ये लोग जाके मोहल्ले मोहल्ले में, गलियों गलियों में कैंप को लगा के बहुत ही अच्छा काम किया है। इस नेकी के हम लोग हिस्सेदार हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं इसके। और मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा कि लोग का काम बहुत अच्छा हो रहा है और माशाल्लाह बहुत ही उरूज पे हो रहा है। नहीं, फाउंडेशन संस्थाएं तो काम कर रही है, जैसे जनता है वो जागरूक है, लेकिन वो तब भी मास्क नहीं लगा रही है, लापरवाही कर रही है, तो क्या कहेंगे? देखिए, मास्क लगाने के लिए आप तो कह सकते हैं, किसी से ज़बरदस्ती किसी को लगा नहीं सकते। हम लोग भी यहाँ पे आप देख रहे हैं जितनी भी टीमें हैं सब मास्क लगाए हुए हैं, इसलिए हम लोग पर्टिकुलरली गाँव में जाते हैं। अभी इससे पहले हम लोग ने बाराबंकी में कैंप किया था, वहाँ पर हम लोग ने बहुत ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सब कुछ किया था और बहुत से डॉक्टर्स वहाँ पे थे, BOMS थे, MBBS थे, पूरी टीम थी, उन्होंने सब कुछ देखा। वहाँ जो कमियाँ थी, जैसे बहुत सी गायनेकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम आ रही थी, महिला विभाग बहुत सी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाती हैं बच्चों में या बाहर जाके डॉक्टर्स को नहीं बता पाती। गाँव में अभी भी बहुत ही कंजर्वेटिव सोच है, लोग बताते नहीं अपनी प्रॉब्लम कि मुझे ये है, किसी भी गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री हो, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री हो, बहुत ही शर्माते हैं। लेकिन मैं बहुत ही कहता हूँ, मैंने हैदर भाई को उसी टाइम इन्फॉर्म किया कि आप एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर को वहाँ पे कंसल्ट करें, वहाँ पे जाएं, जो महिला विभाग की प्रॉब्लम होती है उसको ज़रूरत है सॉल्व करने की, बिकॉज़ आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे अच्छा ट्रीटमेंट देंगे तो आपकी हमेशा फाउंडेशन ऊपर जाएंगी और अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा कर रही हैं। तो आज कितने ऐसे मरीज जिन्हें ये शुगर की प्रॉब्लम ज़्यादा थी? सबसे ज़्यादा देखिए BP और शुगर, ये तो एक बैकबोन हो गया है, मतलब सबसे बड़ी बीमारी अगर देखा जाए तो ओबेसिटी होती है, मोटापा, उसके बाद जो दूसरी बीमारी होती है वो शुगर होती है और BP होती है। ये आमतौर 90% पॉपुलेशन में आजकल हो रही है, तो आप जान ही रहे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन लोगों ने ये कैंप ऑर्गेनाइज़ कराया, दवा ऑर्गेनाइज़ कराई, फ्री में दवा होती है, फ्री में टेस्ट होते हैं और बहुत ही अच्छा है कि इस डॉक्टर्स इनके पार्ट हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं अभी इसका पार्ट हूँ। आप क्या कहेंगे सर? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों में अवेयरनेस की ज़रूरत है इस टाइम, मास्क और सैनिटाइज़र जो लोग यूज़ करें, क्योंकि अभी थर्ड वेव भी करीब है, जैसे कि हम लोग सुन रहे हैं न्यूज़ पे आने वाले टाइम में, तो लोगों में अवेयरनेस की ज़रूरत है। ये जैसे कैंप में बहुत से लोग दिख रहे हैं बिना मास्क के, जैसे वहाँ पे एक भाई साहब खड़े हो बिना मास्क के, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? ऐसे लोगों को समझा रहे हैं हम लोग कि मास्क लगाई ज़रूरी है, कंपलसरी होना चाहिए मास्क और सैनिटाइज़र, जिससे कि आगे थर्ड वेव इतना हम लोग को हिट ना कर पाए, बच्चों के लिए ज़्यादा नुकसानदेह है ये। तो हम लोग समझा रहे हैं लोगों को, अवेयरनेस भी फैला रहे हैं, साथ साथ मेडिसिन और
बाकी सुविधाएं भी दे रहे हैं फाउंडेशन की तरफ से। तो आज हम लोग आए थे सदर कैंट में, जहाँ पे आपने देखा 72 स्टार फाउंडेशन द्वारा एक निःशुल्क कैंप लगाया गया है, जहाँ पे बहुत से लोगों के बीपी शुगर जांच हुई है और कुछ लोगों के चश्मे भी वितरण करे गए हैं। तो कोरोना महामारी को लोग हल्के में ले रहे हैं, लेकिन लोग हल्के मतलब क्योंकि तीसरी जो लहर आने वाली वो बहुत खतरनाक है। तो जितना ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले, मास्क लगाएं, हाथ को सैनिटाइज करें, जिसके साथ हम लोग कोरोना महामारी से लड़ सके और इस महामारी को अपने देश से बाहर कर सके। तो आज हम लोग आए थे सदर कैंट में, जहाँ पे आपने देखा 72 स्टार फाउंडेशन ने किस तरीके से लोगों की सेवा के लिए एक निःशुल्क कैंप लगाया था। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी, धन्यवाद।